हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 3 का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी दिनों के बाद, समय का अभाव था इस कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कैसे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ, ई बाई एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का निकाला, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ, सब हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे आज से, कि कौन कौन से एटॉमिक मॉडल प्रपोज किए गए थे। तो जो पहला मॉडल था जे थॉमसन का मॉडल था, जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना पढ़ाया जाता है, कुछ आता होता उससे नहीं, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, जो आप 9th-10th में पढ़े होंगे। दिस इज ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्टार्ट हम लोग करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या इसी को बोलेंगे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, इनका जो एटॉमिक मॉडल था बेटा, समझिएगा ध्यान से, वो आगे जाके फ्लॉप हो गया। देखा जाएगा क्यों फ्लॉप हुआ, वो दूसरी बात है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी लगा कर देखा जाएगा। लेकिन एटॉमिक मॉडल तो इन्होंने दिया और वह जाके बाद में गलत साबित हो गया, फिर बाद में बोहर अंकल आके उन्होंने सही किया, नील्स बोर ने, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन इनके डिस्कवरी में एक प्लस पॉइंट हम लोगों को यह मिला कि एटम में एक कोई पॉजिटिव बॉडी पाई जाती है जिसको न्यूक्लियस बोला गया, जिसको न्यूक्लियस इन्होंने बोला। ठीक है, और एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो एटॉमिक मॉडल तो इनका फ्लॉप हो गया भैया, लेकिन इस फ्लॉप के साथ साथ एक नया किरदार उत्पन्न कर दिया, इसको न्यूक्लियस, जैसे पिक्चर कोई फ्लॉप हो जाती है तो हीरो हीरोइन का जो अभिनय होता है बड़ा सॉलिड होता, भले पिक्चर फ्लॉप हो गई, तो पिक्चर तो इनकी फ्लॉप हो गई थी, लेकिन जो उसमें एक नया किरदार उन्होंने पैदा कर दिया, दैट इज़ द न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है, तो रदरफोर्ड का काफ़ी भौकाल था, न्यूक्लियस का खोज कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लिया लेड का चैम्बर, क्या लिया, लेड का चैम्बर लिया, और यहां पर लिया गोल्ड फॉइल, थिन गोल्ड फॉइल। सब कारण बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, क्यों उन्होंने ऐसा ही सब कुछ लिया, थिन गोल्ड फॉइल, सोने की पतली सी पट्टी उन्होंने लिया। ठीक है, और यहां पर जिंक सल्फाइड का लेप लगाकर एक पर्दा लगा दिया या स्क्रीन लगा दिया। ठीक है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगा दिया। ठीक है, जिंक सल्फाइड उन्होंने क्या लगा दिया, स्क्रीन लगा दिया। समझो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, या लेड का चैम्बर ले लिया, लेड का बना था, यहाँ पर उन्होंने ब्लू कलर से दिखाऊं, यहाँ पर उन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया जो अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है क्यों लेड का चैम्बर लिया गया, कारण समझो, इस रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा पार्टिकल आगे निकलेगा, पीछे भी निकल सकता है, तो लेड क्या करता है, उन अल्फा पार्टिकल्स जो निकलते हैं बैक साइड में, उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि अल्फा पार्टिकल केवल सीधे जाए, बैक साइड में ना आए। ठीक है, जो आएगा वह क्या करेगा, यह इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यही कारण उन्होंने लेड का चैम्बर लिया। ठीक है, थिन गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्यों गोल्ड ही लिया, गोल्ड क्या होता है, नॉन रिएक्टिव मेटल होता है, नॉन रिएक्टिव मेटल होता है, बात समझ में आ रहा है। नॉन रिएक्टिव मेटल होने का क्या तात्पर्य है, अगर यह रिएक्टिव मेटल होगा तो अल्फा पार्टिकल से रिएक्शन करके कुछ बना ना लेगा, तो खोज सब गड़बड़ हो जाएगा। इनको एटॉमिक मॉडल तो खोजना था, बात समझो, अगर यहाँ पर वह रिएक्टिव मेटल ले लेते हैं, कम रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव गोल्ड होता है, अगर रिएक्टिव मेटल ले लेंगे तो इन्हीं के साथ रिएक्शन कर लेगा और काम तमाम हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा, कुछ डिस्टर्बेंस होएगा और प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, फ्लॉप उनका हो जाएगा। इसी नाते उन्होंने गोल्ड लिया, गोल्ड क्या होता है, नॉन रिएक्टिव मेटल होता है। ठीक है, दो कारण इसमें कि लेड का चैम्बर क्यों लिया गया और गोल्ड फॉइल क्यों लिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल इधर भेजा गोल्ड फॉइल की तरफ, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स
इस गोल्ड फॉयल को क्या कर जा रही थी, क्रॉस कर जा रही थी। बात समझ में आ रहा है, 98-99% अल्फा पार्टिकल इसको क्रॉस कर जा रही थी। ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल से डेविएट हो रही थी। यहाँ पे सब चमक उत्पन्न हो रहा था, जैसे यहाँ पर चमक उत्पन्न हुआ, यहाँ पे हॉलो हो गया मतलब डार्क हो गया, तो कुछ अल्फा पार्टिकल इधर चली गई, कुछ एंगल से डेविएट हो गई। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जिस रास्ते से गई उन्हीं रास्ते से पुनः क्या हो गई, वापस आ गई। मेरी बात समझ में आ रहा, अरे यार ये गोल्ड है तो इसमें गोल्ड का एटम्स होंगे ना, या गोल्ड से एटम्स की बात कर, अभी एक एटम में दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गई, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए, कुछ अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से पुनः वापस आ गए। ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ दिखाई दे रहा था, दिखाई इन द सेंस चमक, यहाँ चमक उत्पन्न हो रही थी, मैक्सिमम चमक सीधे उत्पन्न हो रही थी, तो इससे यह कन्फर्म हो गया कि भैया मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स क्या निकल, सीधे निकल जा रही है। ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएशन शो कर रही हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से आ रही उसी रास्ते से पुनः क्या हो रही है, वापस आ जा रही है। ठीक है, या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद यह सब उन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, थोड़ा सा इसको देखा जाए, आसान है, बहुत कठिन नहीं है और बहुत सिंपल है। अब एक एटम को मैं दिखा रहा हूं थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है, एटम मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इसको क्या कर जा रही थी, क्रॉस कर जा रही थी, बोलो, क्रॉस कर गई। कुछ अल्फा पार्टिकल गई स्मॉल एंगल से डेविएट हो गई, कुछ अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से पुनः क्या हो गई, वापस आ गई। बोलो, इसका एक चीज और, अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल है, क्या है, एक पॉजिटिव पार्टिकल है, उसका नेचर क्या, पॉजिटिव, उसका चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब कोई चीज पॉजिटिव चीज जा रही है, ध्यान समझिएगा, कोई पॉजिटिव चीज जा रही है और जैसे जैसे कोई पॉजिटिव चीज जा रही है खट से मुड़ गई, तो मतलब यहां पर कुछ बीच में पॉजिटिव चीज है, तभी उससे क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, अगर निगेटिव होता तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता। बात समझिएगा, यह पॉजिटिव बॉडी जा रही है, यहां जैसे आई तुरंत उससे क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, खट से दूर चला गया। यह पॉजिटिव बॉडी गए, रिपल्सन हुआ, खट से कहाँ चला गया, दूर चला गया। मतलब कि इस एटम के सेंटर में कुछ चीज कंसंट्रेटेड है, कुछ चीज उपस्थित है जिसका नेचर क्या है, पॉजिटिव नेचर है, जिसका नेचर क्या है, पॉजिटिव नेचर है। ठीक है, बात समझो, क्लियर हुआ। और इसी पॉजिटिव बॉडी को रदरफोर्ड साहब ने क्या कहा, न्यूक्लियस कहा, क्या कहा, न्यूक्लियस कहा। और इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या होता है, पाया जाता है। समझ में आ रहा है, प्रोटॉन क्या होता है, पाया जाता है। न्यूट्रॉन की अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, अभी कुछ डिस्कवरी न्यूट्रॉन की कुछ बात ही नहीं हुई थी, इसी में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव कैसे पता चला, भैया ये पॉजिटिव जा रहा है, जैसे इस पॉजिटिव नज़दीक आया उससे रिपेल कर गया, अगर निगेटिव होता तो खट से इसमें अंदर आ जाता। समझ में आ रहा है। दूसरी बात, अल्फा पार्टिकल एक स्वतः भारी पार्टिकल है, वेटेड पार्टिकल है, तो जब कोई वेट अपने से भारी वेट से टकराया तो उससे वापस आ गया। मतलब अल्फा पार्टिकल एक भारी पार्टिकल है, तो यह भारी पार्टिकल अपने से भारी से टकराएगा तभी वो पुनः वापस अपने रास्ते में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस जो है वह भारी है। भारी होने का मतलब क्या है, इंटायर मास ऑफ एटम, एटम का समस्त द्रव्यमान, इंटायर मास ऑफ एटम कंसंट्रेटेड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ही क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। एटम का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, एटम में ही, न्यूक्लियस में ही क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एटम में भैया दो पार्ट होता है,
इंटायर मैक्सिमम पार्ट इसका क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस, क्योंकि सब रास्ते में सीधे सीधे निकल गई, मतलब मैक्सिमम खाली स्थान है, एम्प्टी स्पेस होता है। और सेंटर में, इन सेंटर में एक पॉजिटिव बॉडी पाई जाती है, एक पॉजिटिव बॉडी पाई जाती है, इसी को उन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। और इसी एम्प्टी स्पेस में एक सर्कुलर ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, और इसी सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, इन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिवॉल्व होते हैं। क्लियर हो रहा है भैया, बोलो बोलो, मैक्सिमम चीज क्लियर हुआ कि मैक्सिमम इंटायर पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, कुछ स्मॉल एंगल से डेविएट होते हैं, कुछ जिस रास्ते से आते हैं पुनः उसी रास्ते से वापस आ जाते हैं। इस ऑब्जर्वेशन को देखकर डिफरेंट कंक्लूजन निकाला कि इंटायर मास किस में कंसंट्रेट होता है, न्यूक्लियस में, किसका, एटम का। एम्प्टी स्पेस होता है जिसमें सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। सेंटर में पॉजिटिव बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, इसी न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है। हिंदी में लिखता हूं कि जो समझ डेवलप करे, किताब में सब तो अंग्रेजी में लिखा ही है, समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री जो है ना अंडरस्टैंडिंग है, रटने वाली चीज़ नहीं है। जितना बढ़िया देहाती भाषा में भोजपुरी, इलेक्ट्रॉन पावल जाला, प्रोटॉन पावल जाला, जितना बढ़िया समझोगे वो अपने भाषा में ही समझ पाओगे, अंग्रेजी में तो पूरा देश ही बर्बाद हो गया। क्लियर हो रहा है। अब देखो फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक उन्होंने डायमीटर कैलकुलेट कर लिया, किसका, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस किया, और जब इसका आधा करोगे तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस निकल जाएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10^-13 सेंटीमीटर, कितना होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10^-13 सेंटीमीटर। और एटम का जो रेडियस होता है, मैं ही लिख दे रहा हूँ, एटम का जो रेडियस होता है बड़ा होगा, एटम रेडियस, एटम का रेडियस 10^-8 सेंटीमीटर। हो रहा है क्लियर, क्लियर हो रहा है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाया जाता है, डिफरेंट एलिमेंट का जो न्यूक्लियर में प्रोटॉनों की संख्या होगी वह अलग अलग होगी, ठीक है। यह पूरा बेटा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, अभी तक कोई इसका, यह चल रहा था अभी इसका कोई ड्रॉबैक नहीं आया था। ड्रॉबैक न्यूट्रॉन खोज लेंगे, प्लैंक क्वांटम थ्योरी जब सोचेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा, तब जाके न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, तब वहाँ हम लोग ड्रॉबैक पढ़ेंगे। अभी कोई ड्रॉबैक नहीं आया था, केवल उन्होंने मॉडल दिया, मॉडल इनका चल रहा था, न्यूट्रॉन भी खोजा गया बाद में, फिर कुछ और थ्योरीज आई, उस थ्योरी को आधार मानते हुए कि भैया जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो लगातार एनर्जी क्या करेगा, बाहर करेगा, तो वो दूसरी उसी थ्योरी के आधार पर यहाँ पर हम ड्रॉबैक निकालेंगे, और ड्रॉबैक जैसे निकालेंगे तुरंत बोहर का कॉन्सेप्ट शुरू कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। क्लियर हुआ, बोलो कोई दिक्कत, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट चैनल। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ व्हाट्सएप मी और कॉल मी। ओके, थैंक यू।